भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से चीन बौखला गया है, बिलबिला रहा है। चीन की ये बौखलाहट, बिलबिलाहट का अंदाजा ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख से लगाया जा सकता है। चीनी सरकार के मुखपत्र में न केवल भारत के मानवीय अभियान के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है, बल्कि भारत की कोरोना वैक्सीन पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल भारत भूटान सहित कई पड़ोसी देशों को कोरोना वैक्सीन निशुल्क दे चुका है। मुश्किल वक्त में भारत के इस प्रयास की हर तरफ सराहना हो रही है। अमेरिका से लेकर ब्राजील तक, नेपाल भूटान से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक नई दिल्ली की तारीफों के पुल बांध चुके हैं और यही चीन को हजम नहीं हो रहा है। भारत श्रीलंका और पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देशों को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन फ्री में दिया है, जबकि अफगानिस्तान के साथ वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी है। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान में स्थानीय रेगुलेटर की तरफ से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाने के बाद उसे वैक्सीन की खेप की सप्लाई की जाएगी। नई दिल्ली ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वह इसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। जाहिर है मोदी सरकार के इन प्रयासों से भारत के सभी देशों से रिश्ते मजबूत होंगे और यही चीन की चिंता की सबसे बड़ी वजह है। भारत के प्रयासों के उलट चीन ने बहुत कम और खासकर उन देशों को वैक्सीन का ऑफर दे रहा है जहां उसे कोई फायदा नजर आ रहा है। वहीं नेपाल से ड्रग रेगुलेटर ने अभी तक चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। उधर मालदीव सरकार के सूत्रों का कहना है कि चीन की तरफ से कोविड-19 वैक्सीन की सप्लाई को लेकर कोई संकेत नहीं मिले हैं। चीन के लिए सबसे बुरी बात यह है कि उसके सबसे करीबी कंबोडिया ने भी भारत से वैक्सीन देने का आग्रह किया है। यही नहीं, बांग्लादेश ने भी वैक्सीन के लिए चीन को नकार कर भारत की ओर रुख किया है। लिहाजा दुनिया भर से अलग थलग खुद को पाकर चीन भारत के खिलाफ बिलबिला रहा है, बौखला रहा है।